देश दुनिया की तमाम खबरें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेट्रो सिटी समाचार चैनल को। 11 महीनों के लंबे अंतराल के बाद आम लोगों के लिए मुंबई लोकल के दरवाजे खोलने की घोषणा की गई। इस घोषणा के बाद आम आदमी की उम्मीदें जगी और लोगों को लगा कि उनकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन 1 फरवरी लोकल में यात्रा के पहले दिन ही लोगों का हुजूम स्टेशनों की ओर उमड़ पड़ा। लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बेतहाशा स्टेशनों की ओर भागते देखे गए। लेकिन इन सब के बावजूद यात्रा पूरी कर पाने में ट्रेन का टाइम टेबल एक बड़ी अड़चन बनकर सामने आया। मुंबई उपनगर के पश्चिम रेलवे के नालासोपारा, वसई, विरार, मीरा भाईंदर इत्यादि स्टेशनों पर लोगों की प्रचंड भीड़ भाड़ देखने को मिली। ट्रेन में यात्रा करने की उम्मीद में लोग सुबह सवेरे से ही स्टेशनों की ओर दौड़ लगा दी थी। टिकट घर में लोग लंबी कतारों में सुबह से खड़े हैं और इधर ट्रेन का टाइम टेबल है उनके राह का रोड़ा बन रहा है। आइए जानते हैं इस विषय पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। सरकार ने 10 महीने से पब्लिक परेशान है। जिनकी 50,000 रुपये सैलरी उनके लिए ट्रेन खुली हुई है, जो 10-12,000 रुपये में जिनकी सैलरी है जो काम करने जा रही है वो 6,000 रुपये हाईवे से रिक्शे से दे रहे हैं 6,000 रुपये में 6-5। मैं सुबह 7 बजे से लाइन में खड़ा हूँ टिकट के लिए। कोरोना काल में आर्थिक तंगी और महामारी का दंश झेल चुके लोगों का दर्द ऐसा कि आप भी परेशान हो जाएंगे। बीते 11 महीनों में लोग रोजी रोटी की गाड़ी पटरी पर लाने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके माध्यम से लोग सैकड़ों किलोमीटर की दूरी महज 10 से 20 रुपये में पूरी कर लेते हैं। वहीं ट्रेनों के बंद होने के कारण अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए लोगों को 1,000 रुपये महीने का खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में ट्रेन आखिरी उम्मीद थी जो टाइम टेबल की भेंट चढ़ गई। आइए सुनाते हैं इस मुद्दे पर लोगों का क्या कहना है। शुरू तो हुई है, खुशी तो है, मगर ये टाइम टेबल बराबर नहीं है। 12 बजे अभी जाएंगे, इतना लंबा लंबा लाइन में पहुंचेंगे कभी? भारी भीड़ के चलते स्टेशनों पर पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है। सुबह यात्रा करने के लिए निकले लोग दोपहर की ट्रेन का इंतजार करते देखे गए। इधर कोरोना के मामले भी अभी नियंत्रण में तो हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। कोरोना रोजी रोटी में बड़ी बाधा बनकर उभरा है। ट्रेनों के शुरू होने के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं।